धन्यवाद पिता, धन्यवाद आपा, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। महिमा प्रशंसा करते हैं फादर, मुक्ति के दाता, शांति का राजकुमार, स्वर्ग और पृथ्वी का राजकुमार, स्वर्ग के ऊपर अति महान तेजोमय खुदा, हाँ तेजोमय प्रभु, जीवित बल सारोन के गुलाब, दुनिया के नूर मेरा बदशा, महाप्रतापी राजा, मेरे जीवन के मालिक, मेरे हृदय के राजा, मन के स्वामी, नासरी यीशु नासरी, एक बार फिर से आपके हजूरी में आते हैं और अपने हाथों को आपके पवित्र सिंहासन की ओर, हाँ आपके पवित्र सिंहासन की ओर उठा करके लाखों लाख आपको धन्यवाद देते हैं, सच्चे मन से प्रशंसा करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं, सारे प्राण आत्मा देह के साथ आपका आदर और सम्मान करते हैं, जिंदा पवित्र धर्मी सबों के लिए भाला यीशु नासरी। महिमामय प्रभु, ज्योतिमय, अति करुणामय, अति समर्थित, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं। हमारा सुख का मूल्य प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं। हमारा चरवाहा ग्रेड़िया, धन्यवाद करते हैं। चट्टान ढाल किला गढ़ शरण स्थान, हमारा सहारा, धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, पूरे रात्रि अच्छी मीठी नींद देने के लिए और एक और नए दिन में हमें नींद से उठाने के लिए, जगाने के लिए इस सुनासरी आपका धन्यवाद करते हैं। आज का दिन, आज का किरण आप हमें दिखाए हैं प्रभु, हमारा परिवार भी प्रभु से चंगा भला है, लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपकी इच्छा चाहत मर्जी से प्रभु यीशु मसीह आज का दिन हम देखे हैं, आज का प्रकाश हम देखे हैं, हमारा परिवार देखा है, एक एक मसीह भाई बहन उनका पूरा फैमिली देखा है, लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। स्तुति हो पिता यीशु, आपका अनुग्रह, आपका दया, आपका कृपा, आपका प्रभुता, आपका करुणा आज के दिन में हमें सेफ और सुरक्षित रखा है, स्वस्थ रखा है। आप हमें आज के दिन में लेकर आए हैं, प्रवेश कराए हैं, लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं नासरी। स्तुति हो लो डिजीजस मेरे प्रियो, आज शुक्रवार की उपवास प्रार्थना में आप सबों का स्वागत है। उपवास है, प्रभु आपके उपवास के दशा को देखेगा, आपके उपवास का प्रतिफल आपको देगा। हाँ, लेकिन ऐसे अपनी दशा को मत बनाना कि लोग जान जाए कि आप उपवास हैं, लोग जान जाएंगे कि आप उपवास हैं तो आपके उपवास का प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। और लिखा है, हाँ मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 6 अध्याय के वचन को पढ़िएगा, उसमें दान, उपवास और प्रार्थना के विषय में लिखा है। उपवास के विषय में जानना चाहते हैं तो हेडिंग में लिखा है उपवास, उसको अच्छे से पढ़िए। उसमें लिखा है कैसा उपवास प्रभु हमसे चाहता है, कैसा उपवास से प्रभु प्रसन्न होता है, कैसा उपवास प्रभु को भाता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। उसमें लिखा है हमें क्या करना है, अपने मुंह को धोना है, अपने सिर पर तेल मालना है, ताकि लोग ना जाने कि हम उपवास हैं, भूखे हैं, कुछ खाए पिए नहीं हैं। हालेलुया, सिर्फ जो स्वर्ग में ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है वो जाने कि हम उपवास हैं, हम भूखे हैं, हम कुछ खाए पिए नहीं हैं, और हमें प्रतिफल दे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मनो से जानेंगे तो क्या करेंगे, बड़ाई करेंगे, थोड़े समय आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके ऊपर दया करेंगे, इससे ज़्यादा मनुष्य की ओर से आपको कुछ प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मनुष्य से अपना उपवास गुप्त रखते हैं, परमेश्वर को जनाते हैं कि आप उपवास हैं, तो प्रभु की ओर से आपको आपके उपवास का प्रतिफल बहुत बड़ा मिलेगा। जो कुछ के लिए आप उपवास हैं वो तो मिलेगा ही,
लेकिन प्रभु की ओर से और भी विशेष से चीजें आपको मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हाँ, प्रभु की ज्योति मिलेगा। हालेलुया, उपवास है, गुप्त रखिए अपने उपवास को, गुप्त रखिए, लोगों को जलाइए मत, तब प्रभु आपके उपवास का प्रतिफल आपको देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। स्तुति हो लॉर्ड यीशु, सहायता कीजिए प्रभु जी। जितने जन, जितने लोग प्रभु आज फास्टिंग है, उपवास है, अनुग्रह कर उन सबों के उपवास के दासा को, उन सबों के, हाँ प्रभु जी, उपवास में की गई प्रार्थना को समरण कीजिए, देखिए और उत्तर भी दीजिए। अनुग्रह कर लो जीसस, सबों का उपवास सफल होने पाए, उपवास में की गई प्रार्थना का उत्तर सबों को मिलने पाए, बहुत दायित्व से, हाँ ढेर अधिक अद्भुत रीति से मिलने पाए। सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी तारीफ हो। सबसे पहले प्रभु इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि अभी तक आपका अनुग्रह, आपका नज़र, आपका ध्यान, दया हमारे ऊपर है। होने दीजिए प्रभु, हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे, इसके लिए प्रभु जी कृपा कीजिए। सहायता कर खुदा, मदद कर प्रभु जी उन लोगों के लिए, उन जनों के लिए, हाँ उन मसीह भाई बहनों के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं जो कि आज फास्टिंग है। होने दें उनके सारे मन की इच्छा को पूरा होने दें, सारी युक्तियाँ को सफल होने दें प्रभु जी। जो कोई जो कुछ की इच्छा आपसे रखे हैं और आज के उपवास में आपसे बोल रहे हैं, पूरा होने दीजिए उनकी इच्छाओं को, लालसाओं को, मनोकामनाओं को, सपना को, मनोरथों को पूरा होने दीजिए। जो कोई जो कुछ के लिए युक्तियाँ निकाले हैं, प्लान योजना बनाए हैं, जिनके मन में जो कल्पना है, अगर उसके द्वारा आपकी महिमा होने वाला है, तो उस युक्तियाँ को, उस कल्पना को, बनाई हुई प्लान योजना को सफल होने दीजिए, ताकि उन लोग के और भी आगे बढ़े और उनके जीवन से आपकी महिमा और भी अधिक से अधिक होता रहे। सहायता कीजिए नासरी, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, महिमा प्रशंसा करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड करने वाले प्रभु धन्यवाद करते हैं, अनुग्रहकारी खुदा धन्यवाद करते हैं, कृपयालु अति करुणामय धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारा ताकत, हमारा बल, हमारा हिम्मत प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं। हमारे टेढ़े, हर टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करने वाले खुदा, हमारे बिगड़ी को बनाने वाले, हमारे उलझन को सुलझाने वाले, समस्या का हल निकालने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आदर करते हैं लॉर्ड यीशु, आपका सम्मान करते हैं। सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कर मददगार खुदा। क्या लिखा है मेरे प्रियो, भजन संहिता 20 अध्याय के 4 में लिखा है, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। हाँ प्रभु आपके मन की इच्छा को पूरी करेगा, आपके सारी युक्तियाँ को, प्लान को, योजना को, कल्पनाओं को, इच्छाओं को, लालसाओं को, मनोकामना, सपना, मनोरथों को पूरा करेगा, सफल करेगा। अपने मन में कोई अनर्थ बात मत सोचिए, अपने मन को शुद्ध बना करके रखिए। वो मत कीजिए जो आपका मन करता है, बल्कि वो कीजिए जो वचन कहता है। तो आपकी सारी
युक्तियां सफल हो जाएगी, मन की इच्छाएं पूरा हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मनुष्य बाहर के रूप रंग को, हाँ हमारे बाहर के रूप रंग को देखते हैं, पर यहोवा की दृष्टि, परमेश्वर की दृष्टि, हमारे प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि हमारे फेस पर नहीं, हमारे रूप रंग पर, ऊंचाई पर नहीं, बल्कि हमारे मन पर रहती हैं। हम मन पर रहते हैं, उसकी दृष्टि हमारे मन पर रहती है। वो हमारे मन को जांचता है, परखता है और हमें प्रतिफल देता है, हमें सफलता की ओर ले जाता है, ऊंचे पर नियुक्त होने के लिए हमारा अगुवाई मार्गदर्शन करता है, हमें ब्लेस करता है कि हम आगे बढ़े, एक सफल व्यक्ति बन जाए, इंसान बन जाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी स्तुति, आपकी स्तुति, आपकी स्तुति हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं नासरी, अनुग्रह की से पिता यीशु, लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। सहायता की से, मदद की से प्रभु से, गाइड की से प्रभु, उद्धार करता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, करुणा में परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, स्तुतियों में वास करने वाले धन्यवाद करते हैं, महिमा में महान धन्यवाद करते हैं। सहायता की से प्रभु जी, आपकी नज़र उन लोगों के ऊपर होने पाए, हाँ आपका दृष्टि, हाँ आपका ध्यान उन लोगों के ऊपर होने पाए जो कि आज उपवास हैं और उपवास में रो रो करके, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके, पिलक पिलक करके आपसे दुआ प्रार्थना विनती याचना कर रहे हैं, नर्म और दीन होकर के, हाँ नर्म और दीन होकर के अपने हाथों को आपके आगे फैलाए हैं, अपने आप को सुनने के समान बना करके आपके सामने सलेंडर करके घुटने पे आए हैं प्रभु जी, उन लोगों के ऊपर आपका ध्यान, आपका नज़र होने पाए, हाँ होने पाए, ताकि उन सबों का उपवास सफल हो जाए, उपवास में की गई प्रार्थना का उत्तर सबों को मिल जाए। सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी, गाइड करने वाले प्रभु धन्यवाद करते हैं, कृपयालु करुणामय परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, सामर्थ्य सर्वशक्तिमान धन्यवाद करते हैं, मुश्किल घड़ी में हमारे निकट रह करके हमारे मुश्किल को आसान करने वाले खुदा धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, सारे कठिनाइयों से हमें पार करने वाले, कठिन परिस्थिति हालातों से हमें पार करने वाले खुदा धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति हो, 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 आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस, स्तुति हो, प्रशंसा करते हैं माय लॉर्ड, तारीफ बड़ाई करते हैं, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अति करुणा में परमेश्वर समर्थ है, धन्यवाद करते हैं। सहायता कीजिए माय लॉर्ड, स्तुति प्रशंसा हो नासरी, तारीफ बड़ाई हो नासरी, आदर करते हैं प्रभु, सम्मान करते हैं खुदा, धन्यवाद हो ऊँचे पर विराजमान प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हो खुदा वन यीशु, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, आपके दिए हुए आज के दिन के इस सुंदर पल में प्रभु जी, पावन बेरा में आपके हजूरी में आए हैं, आपके सामने घुटना टेके हैं, सर को झुकाए हैं, हाथ फैलाए हैं प्रभु, सहायता कर, सब कुछ ठीक करते, जीवन में सब कुछ ठीक करते, जितने भी गड़बड़ियाँ हैं, समस्याएँ हैं, उलझन है, कलेश है, बाधा रुकावट श्राप है, अंधकार की शक्तियाँ हैं, शैतान की छाया है, शैतानी कार्य हैं, हमारे जीवन से लाइफ से आउट कर दे, निकाल दे, नया जीवन दे प्रभु, जीवन को चेंज कर बदल, हमारे परिवार को ब्लेस करने वाले खुदा धन्यवाद करते हैं, जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं उन सबों का जीवन बदल जाए, चेंज हो जाए, गलत लत संगति आदत व्यवहार चाल चलन खत्म हो जाए, सबों का मन प्रभु जी चेंज हो जाए, हृदय शुद्ध हो जाए प्रभु जी, दिल दिमाग ध्यान दृष्टि सोच पाक पवित्र हो जाए, इन सबों के परिवार में जितने भी छोटे बड़े सदस्य हैं, व्यक्ति हैं, जन हैं, सबके सब प्रभु जी चेंज हो जाए, सबके सब सुखी से रहे, परिवार में मिलजुल कर रहे, परिवार में एकता प्रेम भाव की आत्मा दी से अनुग्रह की से लॉर्ड जीसस, मेरे आपा अनुग्रह की से, मेरे पिता अनुग्रह की से माय लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं, आप महान हैं प्रभु जी, आपके तुल्य, आपके जैसा, आपके समान कोई नहीं है,
किसी का काम भी आपके काम के बराबर नहीं है। सच में प्रभु आप बहुत महान हैं। होने दीजिए प्रभु जी अपनी महानता अनुग्रह कर प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत रीति से तू प्रकट करता है तेरी महानता के लिए प्रभु, तेरे महान कामों के लिए, दिए हुए आशीषों के लिए, उपकारों के लिए लाखों लाख कोटि कोटि तुझे धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह कर अपने आप को, अपनी पूरी फैमिली को, एक एक मसीह भाई बहन को, उनके पूरे परिवार को आपके हाथों में देते हैं, आपके हाथ में सौंपते हैं, समर्पित करते हैं। होने दे, आशीषित कर, ब्लेस कर प्रभु, जीवन दे हम सबों को तू, जीवन दे, नाश होने से बचा, बर्बाद होने से बचा, नष्ट होने से बचा, खत्म होने से बचा। हम सबों का प्राण तूने अंधलोक में से खींच कर निकाला, अंधलोक से निकाला है। हम सबों को तूने दलदल के कीचड़ में से खींच कर निकाला है, बहुतों के भीड़ में से तूने चुना है अपने लिए, अपना निज धन हमें ठहराया है। होने दे प्रभु आपका ज्योति में, हाँ आपके ज्योति में हम चले, सहायता कर, सारे बुराइयों से बचा, पापों से, दुष्टता के काम, अधर्म के कामों से बचा। जो दारू पीते हैं, जिनको नशे का लत लग चुका है, नशा करने का, गाली गलौज करने का, मारपीट करने का, जुआ खेलने का, सांसारिक सॉन्ग सुनने का, गंदी पिक्चर देखने का लत लग चुका है, आदत बन चुका है, प्रभु जी उनको तू टच कर, छू और चेंज कर दे। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, पूरी तरह बदल करके रख दे। तू जीवन देने के लिए आया है जीवन दाता, सहायता कर। आपकी स्तुति करते हैं जीवन दाता, सहायता कर, मदद कर माय लॉर्ड। आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आदर करते हैं पिता से, मेरे आपा, मेरे फादर, मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपका आदर करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए माय लॉर्ड। स्तुति हो, आज का दिन सबों के लिए आशीष का दिन हो जाए, सफलता का दिन हो जाए। अनुग्रह कर माय लॉर्ड, आपकी स्तुति करते हैं। हमारे उपवास को देखने वाले, उपवास में की गई प्रार्थना को सुनने वाले, लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते, ग्रहण करने वाले, उत्तर देने वाले प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं। जितने हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु, वो चंगे होकर के घर आने पाए, बहुत जल्द चंगे होकर के घर आने पाए। जितने आईसीयू में है, कोमे में है प्रभु जी, चंगे हो जाए, अपने बिस्तर बेड पे हैं, चंगे हो जाए, उठ करके खड़ा हो जाए, चलने फिरने लगे। जिनको शैतान प्रभु जी लंगड़ा बना दिया है, अंधा बना दिया है, बहरा गूंगा बना दिया है, जिनके बॉडी में शैतान घाव को प्रभु जी उत्पन्न किया है, किसी रोग बीमारी को उत्पन्न किया है प्रभु, रोगों की दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे, रोगों की बीमारी की दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे। अनुग्रह कर एक एक को जीवन दे, चंगा करके, आशीष से देकर के, आगे बढ़ा करके, सफल करके जीवन दे। आपकी स्तुति हो प्रभु, हमारा जीवन आपके हाथों में है, हमारा फ्यूचर आपके हाथों में। मेरे प्रिय प्रभु पर आपका भरोसा है, प्रभु की सुनते मानते हैं, प्रभु के भय में चलते हैं, प्रभु के आज्ञा को अपने हृदय में रख कर उसका पालन करते हैं, जो वचन कहते हैं वही करते हैं, अपने आप को प्रभु की इच्छा में ढालते हैं। आपका फ्यूचर, आपके बेटा बेटी का फ्यूचर प्रभु के हाथ में है। अब चिंता मत कीजिए, प्रभु चिंता करेगा, प्रभु को आपका परवाह है। हाँ, चिंता करके हम अपने आयु में एक घड़ी भी नहीं जोड़ सकते, प्रभु को हमारा परवाह है। हमारा चिंता है, फिक्र है, उस पर भरोसा रखिए, वो सब कुछ ठीक करेगा, सही करेगा, बनाएगा, सुलझाएगा। हालेलुया, ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद इस अनुग्रह की से, धन्यवाद देते हैं पिता अनुग्रह की से। स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु से, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए, धन्यवाद की आप पे हम सबों की सुने, धन्यवाद करते हैं। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना भी से अपना प्रॉब्लम प्रभु जी दिए हैं, बताए प्रभु जी, कमेंट किए हैं, उन सबों की दी हुई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना भी से उन सबों का प्रॉब्लम प्रभु आपके समक्ष रखते हैं, नज़दीक रखते हैं। दृष्टि कीजिए सबों के समस्या के, प्रॉब्लम के ऊपर, प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय के ऊपर, और छुटकारा दे इसे। स्तुति हो पिता, एक एक को ब्लेस करता कि एक एक आपकी महिमा करे, आपकी तारीफ करे। धन्यवाद यीशु, तू महान है। स्तुति हो पिता, तू महान है। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। आमीन, 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 लॉर्ड जीसस, आमीन।
हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा, आपका ख्याल रखेगा, आपके जीवन में काम करेगा, आगे आपको बढ़ाएगा, आपको सफलता देगा। आज शाम 4 बजे की प्रार्थना और वचन को ज़रूर रिसीव कीजिए। प्रभु के काम को देखना है तो प्रभु से बातें करना पड़ेगा, प्रभु के वचन को सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रिय हो। जितना ज़्यादा हो सके प्रभु के वचन को, प्रभु की दुआ को शेयर कीजिए। अगर एक भी प्रभु की ओर अपना मन फिराता है आपके द्वारा और प्रभु के मार्गों पर चल करके अपने अंदर चेंज बदलाव को ला करके उद्धार पाता है, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा, बहुत 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 ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा, आपको और आपके परिवार को अपनी ज्योति देगा, अपना अनुग्रह देगा, अपना महिमा आप सबों के जीवन में प्रकट करेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपका ख्याल रखे, आपका देखभाल करे, देख रेख करे, आपको और आपके पूरे परिवार को आगे की ओर बढ़ाए, ऊँचे पर नियुक्त करें। प्रभु आपको ब्लेस करे। गुड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुरे नाम में जय मसीह।